SJ Cam C200 Mini 4K Action कैमरा के अंदर फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए जायरो सेंसर दिया गया है। इस सेंसर की परफॉर्मेंस कैसी है इस 4K एक्शन कैमरा के अंदर, इसकी रियल अनबायस्ड वीडियो फुटेज आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 4K एक्शन कैमरा की टेस्टिंग। स्टेबलाइज्ड फुटेज लेने के लिए इसके अंदर जो जायरो सेंसर है उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने इस कैमरा की सबसे बड़ी कमी बताई थी कि ये जो बैक स्क्रीन है वो टच स्क्रीन नहीं है, सेटिंग्स के लिए आपको बटन्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इसकी वाईफाई ऑन करके अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी आप सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे जब मैं ये वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ तो इसको मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बटन की हेल्प से मैंने जो जायरो स्टेबलाइजेशन है वो इसका ऑन किया है ताकि कोई दूसरी तरह का इंटरफेयर इसके अंदर ना हो सके। वेल, चलिए अब टेस्ट करते हैं इसकी एक एक करके सभी टाइप की फुटेज। ये फुटेज 4K 24fps पे की गई है। नॉर्मली यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, काफ़ी वाइड व्यू दे रहा है ये, बट अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। आप जैसे जैसे कदम चल रहे हैं तो उसी दौरान यहाँ पे आप जर्क महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे कदम आगे रखते हैं जब भी कदम ज़मीन के ऊपर गिरता है। और अगर आप टेक्सचर शो करना चाहें तो इतना बेटर क्वालिटी के साथ आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से जब भी आप कदम रखेंगे ये स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज आप अगर हाथ को दबाए रखें तो ठीक ठाक काम करता है। अब ये फुटेज है 1080p 30fps के ऊपर और इसमें भी कोई खास अंतर मुझे नज़र नहीं आया। पहले से कुछ ज़्यादा स्टेबलाइज महसूस हो रही है, बट आप इसको अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे ये छोटी सी स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे इसको कि किस टाइप की क्वालिटी आपको मिल रही है। एक्शन कैमरा आप यूज़ करते हैं तो आप इधर उधर की चीज़ें, आप हर तरह की चीज़ें दिखाते हैं और ये उन चीज़ों की डिटेल्स जो भी आपको दिखाई दे रहा है अगर नहीं ले पाता, टेक्सचर डिटेल्स नहीं ले पाता, वाइब्रेट करते हैं, ब्लर्ड नज़र आती हैं, तो एक्शन कैमरा का पर्पज है उसको नहीं। तो चलते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे इस एक्शन कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन का अच्छा सिस्टम नज़र नहीं आया। अब 720p यानी कि HD के अंदर और 120 फ्रेम्स पर सेकेंड के ऊपर ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये फ्लक्चुएशन आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर ये हो रही है, और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो जैसे जैसे कदम रखते हैं उसी टाइप से वाइब्रेशन यहाँ पे हो रही है, तो फुटेज को अनयूजेबल बना देते हैं। एक्शन कैमरा आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और ये चीज़ें अगर एक्शन कैमरा के अंदर नहीं होगी तो काम का नहीं होगा। इस चीज़ की तरफ SJ Cam को जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जब भी डिवाइस बनाएं तो कम से कम उसमें स्टेबलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। ये रोड फुटेज है, कार के डैशबोर्ड के ऊपर मैंने इसको लगाया है और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ यहाँ पे फुटेज हमें मिल रही है। पैदल में इतनी अच्छी नहीं मिली थी, बट अगर आप मोटर व्लॉगिंग करते हैं कार के अंदर या कहीं पे भी तो इस तरह की काफ़ी अच्छी फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। रोड टूटा हुआ है, पूरी तरह से हिल रहा है सारा सिस्टम, बट यहाँ पे फुटेज इन कंपैरिजन टू दैट काफ़ी अच्छा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चलता है। हम इसको ऐसे रोड के ऊपर भी टेस्ट करेंगे जिसमें यहाँ पे ज़्यादा गड्ढे हों, लीजिए गड्ढे भी आ गए। ये देखिए कितना गहरा गड्ढा था यहाँ पे और बट कितना स्मूथली ये निकल जाता है, बड़े बड़े गड्ढों को ये हैंडल कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर फिर से इस तरह के रोड की बात करें तो आप देख रहे हैं वाइब्रेट कर रहा है, जबकि ये डैशबोर्ड के ऊपर माउंट कर रखे हैं फिर भी वाइब्रेट कर रहा है। ये रोड टूटा हुआ है, वाइब्रेशंस यहाँ पे गाड़ी के अंदर हैं, बट एक्शन कैमरा के अंदर वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हमें महसूस हो रहे हैं।
आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके काम का है कि नहीं है। और भी फुटेज हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो रियल टेस्ट हैं एक्शन कैमरा के लिए वो सारे टेस्ट मैं इसके साथ करने वाला हूँ स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड। अभी यहाँ पे एक ब्रेकर को हम चेक करेंगे, देखिए ये कार कितना जंप की है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं, देखिए काफ़ी स्टेबल दे रहा है। जिस तरह का ब्रेकर वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं तो उसके अंदर ये ठीक ठाक फुटेज हमें देता है। बट अगर स्मॉल टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हैं, कदमों के वाइब्रेशंस हो गए, रोड के ऊपर रोड़ियाँ गिरी हुई हैं या इस तरह के हैं चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उन वाइब्रेशंस को ये हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने जायरो स्टेबलाइजेशन को ऑफ़ कर दिया है, और आप ऑफ़ करने के बाद देख सकते हैं किस टाइप की फुटेज है, और यहाँ पे वाइब्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है। बट ये फुटेज मुझे उस फुटेज से जिसमें जायरो स्टेबलाइजेशन ऑन था और वाइब्रेशंस थे, काफ़ी अच्छी लगी। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रोप है वो बहुत कम है, पूरा का पूरा व्यू आपको बहुत ज़्यादा वाइड व्यू दिखाई दे रहा है, और जैसे ही जायरो स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं ये काफ़ी हद तक क्रोप कर देता है इमेज को। तो ये देखिए, ये जायरो स्टेबलाइजेशन ऑफ है, और अभी मैं ऑन करूँगा इसको, तो देखना कितना ये जो साइड हैं उनको कट करेगा, बहुत ज़्यादा क्रोप कर देता है। अभी आप कार्ड का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे का हिस्सा है वो। अभी इसको मैं ऑफ करने वाला हूँ, और आप ऑब्जर्व करना कि कितना ये कट कर रहा है। ये देखिए इतना क्रोप कर देता है जायरो स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद, यानी कि वाइड व्यू स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद आपको इसके अंदर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो बहुत कम मिलेगा। अब एक स्लो मोशन के अंदर देखते हैं कि किस तरह का ये वाइब्रेशन। अभी देखिए स्मूथ रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ, फिर भी गाड़ी के अंदर हल्के से वाइब्रेशंस नीचे हैं रोड के ऊपर, वो जो होते हैं हल्की सी रोड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने स्लो मोशन में इसीलिए फुटेज इसको रिकॉर्ड किया ताकि अंदाज़ा लग पाए कि ये किस तरह का वाइब्रेशंस करता है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी वाइब्रेशंस इसके अंदर हो रहे हैं, और अभी इसके तुरंत बाद एक बड़े से गड्ढे के अंदर गाड़ी जाएगी, काफ़ी बड़ा है, और उसको देखते हैं कितना अच्छे से हैंडल कर पाता है। अभी ये एंट्री कर रही है, और अब इसने गड्ढे के अंदर एंट्री कर ली है गाड़ी ने, बट आप देख रहे हैं उसको वाइब्रेशंस नहीं है, इधर उधर मूव कर रहा है बट वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा नहीं हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस। तो काफ़ी अच्छी फुटेज देता है बड़े गड्ढों के लिए, बट रोड के जो वाइब्रेशंस हैं उनको ये हैंडल नहीं कर पाएगा, कदमों के वाइब्रेशंस हैं उनको ये हैंडल नहीं कर पाएगा, जो कि एक्शन कैमरा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एक्शन कैमरा को आप घर में तो रखेंगे नहीं कि अपनी टेबल के ऊपर रख के और उससे फुटेज लें, आप रोड पे लेके जाएंगे, आप चलेंगे, क्योंकि एक्शन कैमरा इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें इससे दिखाना चाहेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप करना चाहेंगे, और वहाँ पे ये स्टेबलाइजेशन नहीं देगा। वेल 10,000 की बात करें तो 10,000 के अंदर स्टेबलाइजेशन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्टेबलाइजेशन के नाम पर यहाँ पे इसके अंदर कोई खास है नहीं। इससे बेटर स्टेबलाइजेशन मैंने चेक किया है मोबाइल देता है, मैं इसको कंपेयर भी करूंगा दूसरे डिवाइसेस से जिसके अंदर EIS भी नहीं है। जायरो स्टेबलाइजेशन की तो दूसरी बात है, EIS भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, उनके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह की क्वालिटी देता है। वेल, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता डिवाइस है। और अगर आप अपने 4K एक्शन कैमरा की फुटेज को ख़राब करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसकी स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो ये तो था इस 4K मिनी एक्शन कैमरा का स्टेबलाइजेशन रिव्यू। आप बताएं कि क्या ये कैमरा ठीक है, क्या ये स्टेबलाइजेशन ठीक है किसी भी एक्शन कैमरा के अंदर, या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और क्या आपका मोबाइल इससे बेटर स्टेबलाइजेशन दे सकता है, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। इसका दूसरे एक्शन कैमरा के साथ भी हम रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि ये वाइब्रेशंस दूसरे डिवाइस में भी तो नहीं है। ये स्टेबलाइजेशन टेस्ट हम दूसरे एक्शन कैमराज के साथ भी करेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं करूँगा, क्योंकि ओजमो एक्शन कैमरा काफ़ी अच्छा माना जाता है स्टेबलाइजेशन के नाम पर, वहाँ पे रॉक स्टडी स्टेबलाइजेशन है, उसके साथ मैं इसका कंपेयर भी करूँगा स्टेबलाइजेशन का। आपको इस कैमरे का ये रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।